दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 22 फरवरी 2024 गुरुवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंडियन रेलवे, पीएससी और भी अन्य विभागों में भर्तियां निकली है। इनमें कुछ भर्तियां बिना एग्जाम बिना परीक्षा की भी निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 22 फरवरी 2024 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे में। भारतीय रेलवे RRB के अंतर्गत भर्ती निकली है। पैरामेडिकल कैटेगरीज की यहाँ पर वेरियस पोस्ट है, जैसे कि स्टाफ नर्स, डाइटिशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड, लैब सुपरिंटेंडेंट ग्रेड थर्ड, परफ्यूनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मेसिस्ट ग्रेड थर्ड, रेडियोग्राफर, स्पीच थेरेपिस्ट और साथ साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की यहाँ पर 2000 के लगभग वैकेंसीज निकली है। आवेदन जून से शुरू होंगे, जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 21,700, 25,529,235,444 से लिए अलग अलग पोस्ट के लिए प्रति माह के लिए लेवल 3, 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत 12वीं पास GNM BSc डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम 18, 20, 21, 22 वर्ष है, मैक्सिमम 30, 33, 35 और 40 वर्ष है। फीस वार OBC के लिए 500 है, SC ST PWD फीमेल के लिए 250 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और चालान से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। indianrailways.gov.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग TSPSC के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर, असिस्टेंट एक्साइज सुपरिंटेंडेंट, म्युनिसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट ऑफिसर, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर और भी अन्य पोस्ट है। टोटल यहाँ पर इसके लिए 563 वैकेंसीज निकली है। ग्रुप फर्स्ट सर्विस एग्जाम के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। आवेदन इसके लिए 23 फरवरी से चलेंगे, लास्ट डेट 14 मार्च 2024 है। एडिट ऑप्शन की डेट 23 से 27 मार्च है। प्री एग्जाम डेट मई या जून 2024 है। मेन एग्जाम डेट सितंबर या अक्टूबर 2024 में है। सैलरी 58,850 से 1,37,050 है और 54,220 से 1,33,630 है और 51,320 से 1,27,310 है। प्रति माह के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18-21 वर्ष आयु सीमा है, मैक्सिमम 35-46 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये है, एग्जामिनेशन फीस 120 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री टेस्ट और मेन रिटर्न एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। TSPSC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो भी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग OPSC के अंतर्गत निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, 385 वैकेंसीज है। 12 मार्च से इसके लिए आवेदन चलेंगे, लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 16 अप्रैल है। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है प्रति माह के लिए। PG डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। opsc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी झारखंड हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में निकली है। असिस्टेंट की पोस्ट है, 55 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं।
आवेदन की स्टार्टिंग डेट 22 फरवरी 2024 है, लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 22 मार्च है, फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 22 मार्च 2024 है, सैलरी 44,900 से 1,42,400 है, बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो, 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए ₹500 फीस है, एससीएसटी के लिए 125 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा वोस टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। झारखंड हाईकोर्ट .nic.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो भी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम TMC में निकली है। अटेंडेंट या स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, मेडिकल ऑफिसर और भी अन्य पोस्ट है, 293 वैकेंसीज निकली है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट 26 फरवरी से 1 मार्च है, सैलरी आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। 12th डिग्री डिप्लोमा GNM ANM BSc नर्सिंग MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। ओपन कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 38 वर्ष आयु सीमा है, बैकवर्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 43 वर्ष आयु सीमा है, फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा, वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। थाने महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, थाने city.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 6 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकले मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, चिकित्सा एंड स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड MHRB असम के अंतर्गत रजिस्ट्रार या डेमोनिस्ट्रेटर या रेसिडेंट फिजिशियन की यहाँ पर पोस्ट निकली है। 526 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जो 23 फरवरी थी उसको 28 फरवरी कर दिया गया है। 57,700 से 1,82,400 सैलरी है। PG डिग्री, MD, MS, DNB से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 45 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैंडिडेट के लिए 250, OBC, MOBC, SST के लिए 150 फीस है। PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी, ट्रेजरी चालान के माध्यम से आप फीस पेमेंट करोगे। बिना एग्जाम के भर्ती है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है, nhm.assam.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 22 फरवरी 2024 गुरुवार की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो, लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।